नाहन विधानसभा क्षेत्र का बिरला गांव एक ऐसा गांव है जहां लोगों की सहभागिता से पेयजल संकट को सफलतापूर्वक दूर किया गया है। धाटी धार क्षेत्र का ये गांव अक्सर पेयजल संकट से दो चार रहता था, खासकर गर्मियों में ये दिक्कत और बढ़ जाती थी। लेकिन ग्रामीणों द्वारा मनरेगा के तहत गांव की प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार से पानी का संकट हमेशा के लिए खत्म हो गया है। हमने यहाँ पर जो बावड़ी बनाई है, इसका लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, और इसके साथ टैंक भी है, इसका भी सिंचाई करने में और ऐसे भी पशुओं को, हर एक इंसान को, सबको फायदा हुआ है, और ये मनरेगा के तहत बनी हुई है बावड़ी। बिरला पंचायत प्रधान सुनील शर्मा ने बताया कि इस बावड़ी के जीर्णोद्धार से गांव की पेयजल और सिंचाई दोनों समस्याएं हल हो गई हैं। मनरेगा के माध्यम से हमने यहां पर एक बाउंड्री का निर्माण किया, और उस बाउंड्री के बाद हमने एक खुरली का निर्माण किया, और खुरली के साथ ही एक फ्रेश पानी के लिए भी नलका रखा हुआ है ताकि लोग शुद्ध पानी पी सके, और बाउंड्री को हमने गेट लगाकर क्लोज किया है ताकि कोई भी जानवर अंदर ना जा सके, और खुरली के से जो ओवरफ्लो पानी होता है वो पानी भी यहाँ पर वेस्ट नहीं हुआ है, हमने उस पानी को भी सीधा टैंक में डाला है। नरेगा के माध्यम से एक टैंक जल शक्ति योजना चली है, उसके तहत भी हम पंचायत में पानी का भंडारण कर सके, पानी को रोक सके, चेक डैम जोड़ वगैरह बना सके ताकि हमारे क्षेत्र में जो पानी है वो बढ़ सके, इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। खंड विकास अधिकारी अनूप शर्मा के मुताबिक नाहन विकास खंड में प्राचीन जल स्रोतों को संरक्षित किया जा रहा है, इनमें बावड़ियां भी शामिल हैं। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जगह जगह ट्रेडिशनल बावड़ीज का निर्माण किया जा रहा है, जो कि पुराने पंचायत के में पानियों के स्रोत हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत इस बावड़ी का आधुनिकीकरण किया गया है, जिसका जिस तरह से लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके, इसी बावड़ी से जो ओवरफ्लो बाहर निकलता है उसको वेस्ट खुले में ना करके उसके लिए एक खुरली का निर्माण किया गया है। इस खुरली से पशुओं को पानी पिलाया जा सकता है, और जो उससे आगे वेस्ट निकलता है उसे इकट्ठा करके एक टैंक का निर्माण किया गया है, जिसे इसे सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिरला गांव के लोगों की ये पहल क्षेत्र की अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रही है, और केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल शक्ति अभियान से इसे और गति मिल रही है। डीडी न्यूज़ के लिए नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।